हेलो, वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? आप देख रहे हैं मेरे चैनल क्लैश ऑफ क्लैंस। तो भाई, आज की इस वीडियो में हम लोग खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल। भाई, और सबसे पहले हम लोग पेड़ तोड़ेंगे, और मैं फुल शेडर लगा के आया हूँ, एकदम बीएसएल के शेडर्स। जिसको भी नाम पूछना है पहले ही बता देता हूँ, बीएसएल के शेडर्स हैं और बहुत ही मतलब मस्त शेडर्स हैं ये। और मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, मैं थोड़ी सी वुड इकट्ठा कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो हमारे पास आ चुकी है सिंपल सी पिकैक्स। सो यू नो व्हाट टाइम इट इज, दिस टाइम इज फॉर माइनिंग। और अभी ओके गाइस, तो अभी हमारे पास इतना सामान आ चुका है कि हम लोग एक माइनक्राफ्ट के स्टोन की पिकैक्स बना ले। लेकिन रात हो रही है शायद, मेरे ख्याल से नहीं रात नहीं हो रही, वो मेरे शेडर्स हैं इसलिए थोड़ा लग रहा है। कोई बात नहीं, अभी तो गाइस हम लोगों को पिग मारना है एंड फर्नेस बनाना है, तो मैं फर्नेस के लिए भी स्टोन इकट्ठा कर लेता हूँ गाइस। आई थिंक इतना स्टोन काफ़ी होगा, बिकॉज 8 से फर्नेस बनता है, 8 स्टोन से, और बाकी से पिकैक्स बन जाएगी। तो अभी हमारे पास 5 बच रहा है, तो हम इससे अभी अपनी स्टोन की पिकैक्स बना लेते। भाई हो नहीं बनानी कभी ज़िंदगी में, हो नहीं बनानी स्टोन की। ओके, तो अभी हम लोगों के पास आ चुका है अच्छा खासा सामान। तो सामने शीप भी है, तो शीप से हमें 2 चीज़ें मिलती हैं, फूड भी और वूल भी। तो शीप तेरी बलि चढ़ाना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। नूब हैं तो नूब ही नहीं रहते हैं, कोई बात नहीं। तो अभी हम लोगों को थोड़ा सा और स्टोन ले लेते हैं, और स्टोन से एक पिकैक्स बना लेते हैं, नहीं पिकैक्स बना है, एक्स बना लेते हैं। ओके हाँ, हमें भी एक्स बनानी है। और अभी मेरे ख्याल से मेरे पास तो आ गया होगा स्टोन, 5 स्टोन आ चुका है एंड हमारे पास आ चुकी है एक्स, और खाना भी आ चुका है। तो पहले 4 हार्ट्स से भर जाना चाहिए। हाँ कोई बात नहीं, हमें 2 बीफ मिला है, माफ कर देना योगी जी, एंड कोई बात नहीं, अभी हम इसको डाल देते हैं। लेकिन अभी हमको कोल भी चाहिए, तो कोल लेने से पहले हम लोग और खाना इकट्ठा कर लेते हैं। और भाई घोड़ा है, घोड़े को नहीं मारना, भाई घोड़े को नहीं मारना, लेकिन पिग भी है, पिग को मार लेते हैं यार, सॉरी तुझ भाई, कोई बात नहीं। तो अभी यहाँ पे मेरे ख्याल से कोल होना चाहिए, बिकॉज जी वाली केव ज्यादा बड़ी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि नीचे जाऊँ, उससे पहले थोड़ी सी पेड़ काट लेते हैं। गाइस, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग अपना बोरे बिस्तर लेके उसी केव में चलें एंड उसी केव में हम लोग अपना घर बना लें, बिकॉज यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा ही लग रहा है, बिकॉज मुझे नहीं पता, बिकॉज यहाँ पे जगह बहुत ज़्यादा है। और अंदर से क्या भाई, क्रीपर ईपर तो नहीं आ रहा? व्हाट भाई, क्रीपर आ गया यार, भागो भाई भाई। ओके भाई, क्रीपर आ चुका है एंड नीचे मेरा गेम भी लैग कर रहा है बहुत ज़्यादा, क्या देखने पड़ रहे हैं यार। नीचे पे क्रीपर है एंड अब वो क्रीपर वो रहा। ओके, तो एंड यहाँ पे हमारा सामान भी है, और यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा वुड, नहीं एक्स्ट्रा स्टोन मिला है, सॉरी वुड कहाँ मिल जाएगा भाई। एंड हमारा फर्नेस चला गया भाई, यार मेरा फर्नेस चला गया यार, खाना कैसे बनाएंगे? कोई बात नहीं, अभी हम लोग यहाँ से आयरन माइन कर लेते हैं। और मुझे अभी भी कोई पक्का श्योर नहीं हो कि अभी कोई क्रीपर नहीं आने वाला, हो सकता है अभी थोड़ी देर बाद मेरे पीछे से कोई आ जाए क्रीपर, एंड भाई मैं मर सकता हूँ कभी भी। ओके गाइस, तो फाइनली थोड़ा उजाला हो गया यहाँ पे, और मैं सोच रहा हूँ इसी एरिया को अपना घर बना लूँ कुछ टाइम के लिए। ओके भाई, आयरन की पिकैक्स यहाँ पे आ गई, और भाई मुझे डर लग रहा है कि अगर अगली बार क्रीपर आ गया तब तो गए हम लोग। तो एक चेस्ट बना लेते हैं भाई, और चेस्ट कहाँ रख के, यहाँ पे रख देते हैं भाई चेस्ट। A few inches later. और इसी साथ यहाँ उजाला भी हो गया, और अब मैं सोच रहा हूँ मैं एक स्वॉर्ड बना लूँगी गाइस। तो भाई मैं स्वॉर्ड बना लेता हूँ, और भाई मैं क्या कर रहा हूँ ना, नूब के बनता जा रहा हूँ धीरे धीरे। स्वॉर्ड कैसे बनती है यार, नहीं स्वॉर्ड कैसे बनती है, कुछ भी कुछ भी, व्हाट हेल। ओके हाँ, स्वॉर्ड बन गई। तो गाइस हमारे पास अभी स्वॉर्ड भी आ चुकी है, एंड अब मैं सोच रहा हूँ कि हम चारकोल से क्या करें भाई, चारकोल पहले पिघला लो और बना लो इससे भी चारकोल। वैसे मैंने क्या कर दिया, चारकोल से चारकोल बना दिया, इससे बेकार चीज़ मैं कुछ नहीं कर सकता था। कोई बात नहीं गाइस, हम अभी चारकोल वेस्ट नहीं करेंगे अपना, और इससे हम लोग अपना पोर्क चॉप बनाएंगे।
उजाला तो रहेगा कम से कम टेम्परेरी। हमारे पास खाना तो बहुत सारा है गाइस, लेकिन हम भी खाने को यूटिलाइज नहीं करेंगे बिकॉज हम अभी बनाने जा रहे हैं टॉर्च, और ये बन चुकी है टॉर्च। और मेरे पास बहुत बड़े बड़े सपने हैं कि मैं इस एरिया में बहुत बढ़िया सा घर बना सकता हूँ। वो कैसे, आपको हमारी सीरीज के साथ जुड़े रहना होगा। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे अपने लिए गड्ढा खोद के यहाँ पे अंडरग्राउंड और बेहतर बहुत बढ़िया घर बना सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं। और हमारी इस सीरीज में हमारे साथ और भी लोग आने वाले हैं। अगर आपको जानना है कि वो लोग कौन हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको भी हमारे साथ खेलना है तो आप कमेंट कर कमेंट भी दीजिए, कर और दीजिए अगर आपको भी हमारे साथ खेलना है तो। गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना यार, दिल से बोला सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग।